कानपुर देहात में केसर की खेती लहलहा रही है, जो किसानों के लिए फख्र की बात है, क्योंकि लोग पारंपरिक खेती को छोड़कर आमदनी वाली खेती को अपनाना चाहिए, जिससे आय के साथ साथ किसानों की दिशा और दशा भी बदले। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। यूपी के जनपद कानपुर देहात के अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले एक किसान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी वजह है कि जिले में पहली बार अमेरिकन केसर की खेती किसान ने शुरू की है। किसान ने पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर और यूट्यूब की मदद से अमेरिकन केसर की खेती शुरू की, जिसके बाद से किसान चर्चा का विषय बन गया है और लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है। वहीं जिले के अधिकारी भी किसान के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और किसान को और प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। सर, ये मुझे लगा कि परंपरागत खेती जो हम लोग कर रहे थे बुजुर्गियत, उससे लगा कि कुछ हट करके किया जाए और उसको करने के लिए यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया और मुझे ये दिखाई दिया कि केसर की खेती यहाँ पर उत्तर भारत में हो सकती है और उसी हिसाब से मैंने जो है उसको एड्रेस वगैरह ढूंढ करके एक कुरियर व्यवस्था से बीज वगैरह मंगाया और इसकी एक अच्छे से जुताई करा करके खेत की और इसकी जो है बीजों को एक एक फुट पर मैंने बुआई कराई और लगभग ये 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 5.5 महीने की फसल है और अनुमान है कि इससे एक अच्छी आय हो सकती है जो हमारे धान गेहूँ से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और मेरे 2 भाई और हैं, उनके सहयोग से ये सब होता रहता है। कानपुर देहात के सरवन खेड़ा में रहने वाले किसान ने पारंपरिक खेती से हटकर केसर की फसल जब बोई तो एक चिंता थी कि कैसे बेचेंगे, कैसी उगाई जाएगी, लेकिन किसान ने कई लोगों से जानकारी लेकर खेती शुरू कर दी। और अब खेतों में केसर की फसल लहरा रही है और किसान को उम्मीद है कि फसल उसकी मेहनत पर खरी उतरेगी। हमारे यहाँ जो है कानपुर देहात में पहली बार खेती की गई केसर की और यूट्यूब के माध्यम से जो है खेती जो है जानकारी करके जो है की जा रही है। इसकी जो है यूट्यूब के माध्यम से पता लगता है कि इसकी 7-8 लाख की जो है पैदाइश होगी। जनपद के अधिकारियों का कहना है कि जिले में केसर की खेती करने वाले वो पहले किसान हैं। किसान ने परंपरागत खेती से हटकर प्रयास किया है, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और अन्य किसानों को प्रेरणा भी मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया कि किसान चंद्रभूषण ने देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को सुनने के बाद ये अनोखी पहल अपनाई है। देखिए, सरवनखेड़ा विकास खंड जो हमारा है वहाँ पे हितौली गांव में चंद्रभूषण एक किसान हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है आत्मनिर्भर भारत का। उनसे बातचीत करने पे पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से प्रेरणा लेके और यूट्यूब के माध्यम से सीख के उन्होंने केसर की खेती शुरू की है और बहुत बढ़िया इस समय केसर की वो फसल उगा रहे हैं। केसर आप जैसे जानते हैं एक बहुत हाई यील्डिंग क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है और इससे उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हर किसान की आय दुगनी हो, इसमें भी वो मदद मिलेगी, वो एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे अपने गांव के और पूरे जनपद के सभी किसानों के लिए कि इस तरह से अगर किसान प्रगतिशील सोच रखे तो अपनी आय को बढ़ा सकता है और सुख और समृद्धि का जीवन जी सकता है। बहरहाल ये तो केसर की खेती करने वाला कानपुर देहात का पहला किसान है, लेकिन किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती को छोड़कर आमदनी वाली खेती करनी चाहिए, क्योंकि केसर की खेती में अच्छी खासी आमदनी भी है और किसानों की आय भी दोगुनी होगी। कानपुर देहात का सरवनखेड़ा विकास खंड का हिलौटी गांव आजकल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का एक किसान चंद्रभूषण है, उसने अत्याधुनिक तरीके से यूट्यूब के माध्यम से और पीएम मोदी की मन की बात से प्रभावित होकर के अमेरिकन केसर की खेती करने का जिम्मा उठाया है और उसकी फसल लहलाती फसल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
कई किसान उसकी अत्याधुनिक खेती और नए तरीके के फसल जो पुराने तरीकों से हटकर है वो देखने के लिए आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने किसान चंद्रभूषण से प्रभावित होकर के नई तरीके से नई फसल उगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यासीन अली, जेम्ड न्यूज़, कानपुर देहात।